दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे जो मार्केट क्रैश हुआ है इसके पीछे भैया यहाँ पे यूएसए और यूएसए प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल है, तो क्या आप मानेंगे? हालांकि आप तक इतनी ज्यादा रिफाइंड अपडेट पहुंचती है कि बैकएंड में क्या हो रहा है इसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। कई लोग यहाँ पे ऐसे मिलेंगे कि आप कहेंगे भैया अब जो लूना क्लासिक है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है डूनो के साथ। बट अभी भी अगर आप देखिएगा तो जैसे ही डूनो का अरेस्ट वारंट आता है तो लूना क्लासिक फिसल जाता है। हालांकि दिखाया कुछ जाता है और बैकएंड पे कुछ चलता है, और अगर आप इसी चीज को समझ गए तो क्रिप्टो मार्केट में अपना नुकसान कभी नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। आज आपके सामने बहुत सारी बड़ी चीजें रिवील करने वाला हूं, बताऊंगा किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। और जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 7 दिन में इथेरम 12-12.5% नीचे आ चुकी है, तो भैया इतना नीचे क्यों आया है? बिटकॉइन हालांकि अगर आप देखिएगा दूसरी तरफ 2% ही नीचे है, लेकिन इथेरम बहुत तेजी से नीचे आया है। और क्या मार्केट में आगे की स्थिति हो सकती है? थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो के एंड में हम डिस्कशन करेंगे। बट इससे पहले कि हम ज्यादा आगे बढ़े, आपको सबसे पहले सबसे बड़ी खबर दिखा दूं दोस्तों मैं यहाँ पे, कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे न्यूज ये निकल के आ रही है कि यूएस जो है यहाँ पे सैंक्शन लगा सकती है चाइना पे। अब आप कहेंगे भैया इससे क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके सामने सारी अपडेट ओपन कर रखी है, ऊपर अगर आप देखिएगा तो सारी अपडेट बैक टू बैक यहाँ पे मैंने ओपन कर रखी है, जिसमें आपको सारी जानकारी भी डिटेल बताने वाला हूँ। इतने डिटेल से यहाँ पे शायद ही कोई आपको समझा दे कि भैया क्यों मार्केट इतनी तेजी से नीचे जा रहा है और क्या कुछ कारण रहा है, किस तरीके से यूएस प्लान कर रही है चाइना को सैंक्शन करने की, जिसके बाद आप मार्केट में और एक बड़ी गिरावट शायद से देख पाएंगे। बट सैंक्शन चाइना पे लगेगा या नहीं लगेगा इस पे भी कुछ चीजें अभी बाकी है दोस्तों, तो सब कुछ हम डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा देख रहे हैं। रिसर्च और एनालिसिस के बाद आप सभी के लिए अपडेट लेके आता हूं, तो जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक्सक्लूसिव अपडेट है रिटरस के तरफ से, जो कि खुद ही बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित अगर आप कहेंगे तो एक न्यूज मीडियम है। तो अगर आप देखिएगा दोस्तों, यूएस वेज चाइना सैंक्शन टू डिटर ताइवान एक्शन, ताइवान प्रेस यूरोपियन यूनियन यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों। अगर आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे बहुत अंदर से खबर निकल के आ रही है। खबर कब की है ये भी देख लीजिए, 13 सितंबर की ये अपडेट है, जब मार्केट नीचे क्रैश होना शुरू हो चुका था। इसके पीछे और भी कारण है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बट अगर सच में यूएस चाइना पे सैंक्शन लगा देता है तो आपको किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी, और जो महंगाई है दोस्तों वो कहां तक जाएगी, ये शायद आप भी ना इमेजिन कर पाए। इसलिए पहले ही आपको वार्निंग अलर्ट दे रहा हूं कि भैया जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा सूझबूझ के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड अगर आप देखिएगा तो बहुत ज्यादा अभी पैनिक सिचुएशन में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूएस जो है अपने फायदे के लिए बहुत बड़ा सैंक्शन शायद से चाइना पे इम्पोज कर दे। आपने देखा रशिया पे सैंक्शन लगा तो क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में या फिर वर्ल्ड लेवल पे इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ा। हालांकि रशिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है, चाइना जो है सब चीज एक्सपोर्ट करता है, रशिया ज्यादातर क्रूड और गैस को एक्सपोर्ट किया करता था, और अभी भी उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कम हुई है दोस्तों। लेकिन अगर सैंक्शन चाइना पे लगा तो आपको पता होगा हर चीज में, चाहे कोई खाने की सामान हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाइना सब चीज का एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत बड़ी अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि अगर चाइना पे सैंक्शन लगता है तो जो महंगाई होगी दुनिया भर में वो रिकॉर्ड तोड़ स्थिति से आगे बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ती है ना दोस्तों, देखिए दो कारण होती है महंगाई बढ़ने की, एक तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया तो महंगाई बढ़ जाएगी, और दूसरी अगर वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है वो सही नहीं चल रही है तो एक महंगाई बढ़ती है, और ये दूसरी वाली कैटेगरी में आती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स खराब होगा तो जब महंगाई बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, और वहां पे एक बहुत बड़ा डाउन टर्न आप देख पाएंगे, क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो उसके लिए आपको मैं पहले से अलर्ट कर रहा हूं, अभी ऐसा फिक्स नहीं है कि भैया ये होना ही होना है, अभी यूएसए प्लान कर रही है। बट आपको इस अपडेट पे मैं कहूंगा नजर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्जेंट ये अपडेट है। दूसरा बड़ा कारण जो मैं आपको बताऊं मार्केट क्यों क्रैश हो गया, देखिए यूएसए की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की डेटा निकल के आई, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा एनुअल डेटा जो निकल के आती है दोस्तों, तो अगस्त महीने की डेटा निकल के आई है यूएस की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की,
और इस बार जो यहाँ पे महंगाई दर रही है वो 8.3 की रही है अगस्त में, जो कि पिछले 4 महीने से सबसे न्यूनतम स्तर है। जितना ज्यादा महंगाई बढ़ता है उतना ज्यादा मार्केट गिरता है दोस्तों, सिंपल लॉजिक समझिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, महंगाई तो घटी है भैया, क्योंकि पिछले 4 महीने का सबसे न्यूनतम स्तर रहा है अगस्त की महंगाई, तो यहाँ पे तो मार्केट को पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए था, तब भी मार्केट नेगेटिव इसलिए जा रही है क्योंकि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे किस तरीके से यूएस जो है प्लान कर रहा है चाइना पे सैंक्शन लगाने की। हालांकि इंडिया की भी थोड़ी सी अपडेट आपको देख लेना चाहिए, एक तरफ यूएसए की जो वहां पे मार्केट है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो कम हुई है, मतलब पिछले 4 महीने की लोएस्ट है, दूसरी तरफ अगर इंडिया की आप सीपीआई देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 2 महीने से प्राइस इंडेक्स में कमी आ रही थी, लेकिन एक बार फिर से अगस्त के महीने में महंगाई 7% का आंकड़ा टच कर चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप इन्फ्लेशन रेट की मैं बात कर रहा हूँ, 7% एक बार फिर से अगस्त के महीने में इंडिया में टच कर चुकी है, जिसके बाद से यहाँ पे जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का माहौल बन रहा था उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इथेरियम मर्ज के पहले भी बिटकॉइन $20,000 के नीचे आ गया, क्या इसका भी बड़ा कारण है? देखिए इथेरियम मर्ज जो है उसको लेकर के जितना ज्यादा पॉजिटिव लोग थे उतना ज्यादा पॉजिटिव मार्केट होता नजर नहीं आया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इथेरियम भी काफी तेजी से गिरा है, तो इस पे क्या एनालिसिस निकल के आती है? देखिए दोस्तों ये बस आपको दिखाने के लिए है, मैंने जैसा आपको कहा मार्केट में कई चीजें कई तरह से होती है। अभी अगर डेटा निकल के आ जाए कि भैया यूएस कुछ पॉजिटिव स्टेप ले रहा है तो मार्केट फिर से चढ़ जाएगा, मार्केट वर्ल्ड न्यूज पे डिपेंड करती है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अभी के लिए जहां तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, आपको स्टॉप लॉस मैंने पहले से बता रखा है $17,500 पे बिटकॉइन का स्टॉप लॉस, और इथेरम का दोस्तों अनप्रिडिक्टेबल है, अभी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं $1,200 के करीब तो हो सकता है इथेरम उसको भी ब्रेक कर जाए, लेकिन चांसेस कम है ब्रेक करने का। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि $1,200-1,250 के करीब आप स्टॉप लॉस लगाएं, और आपका जो फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपने ज्यादा खरीद रखा है तो $1,000 के नीचे लगाइएगा, क्योंकि हो सकता है कभी अगर एक दो दिन में न्यूज और खराब आती है तो इथेरियम $1,000 तक नीचे जा सकती है, बट ज्यादा चांसेस है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई इतनी भी ज्यादा बुरी खबर नहीं है। अभी और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर आप कह लीजिए ग्लोबल डेटा निकल के आने वाला है यूएसए की तरफ से, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं, और इसके बाद मार्केट में आपको अच्छा मोमेंटम शायद से देखने को मिल सकता है। क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, खरीदारी आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को अगर हम देखें तो ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही है मार्केट, प्राइसिंग अच्छी है। बट मैंने आपको क्या कहा, अगर आपके पास ₹100 है मान लीजिए तो आपको इन्वेस्ट अभी मात्र 30 से 40 रुपए करना है, ₹60 बचा के रखना है कि अगर यूएसए कुछ उत्पात करता है, अगर यूएसए कोई बड़ा एक्शन लेता है तो वहां पे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए फंड होने चाहिए, जिसके बाद आपको बहुत अच्छा और बड़ा प्रॉफिट यहाँ मार्केट से देखने को मिलेगा। और फाइनली दोस्तों सारे अपडेट्स मैंने आपको कवर करके क्लियर करके बताए हैं, तो अगर आपको अपडेट पसंद आया हो और अगर अपडेट्स को आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जब आप वर्ल्ड न्यूज को रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से और उससे मार्केट के एनालिसिस कर पाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट किस तरह से मूव करने वाला है और कहाँ पे किस तरीके से आपको बाइंग और सेलिंग करनी है, जिससे कि आप हर तरफ प्रॉफिट ही बनाएं। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीआईपी एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे एक्सक्लूसिव अपडेट आपको वहां भी जानने को मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।